गुंडा जी, इस सीरियल खिचड़ी में इस बार नया क्या है? बहुत ज्यादा मजा है, ज्यादा ज्यादा मजा है बस। तो मैं अपने स्टाइल में बोल रही हूँ कि इस बार हमने खिचड़ी में जो सबसे ज्यादा ऐड करने की कोशिश की है वो ज्यादा मजा, ज्यादा फन, ज्यादा आप लोगों के लिए मनोरंजन और एंटरटेनमेंट। और आप जिस मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की खिचड़ी आप लोगों को ज्यादा डी स्ट्रेस करेगी, जो पहले वाली करती थी उससे मच मोर। यू विल बी मोर डी स्ट्रेस्ड, यू विल बी मच मोर हैप्पियर इफ यू वॉच खिचड़ी। वी विल बी कॉन्करिंग, देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। वी विल बी कॉन्करिंग, वी आर कमिंग विद बैंग, क्योंकि हम सब जिस दिन भी तय हुआ कि हम खिचड़ी वापस कर रहे हैं उसी दिन से हम सब आतिश जेडी और हम सब एक्टर्स एक बात के लिए चौकन्ने थे और अलर्ट थे कि खिचड़ी का एक लॉयल ऑडियंस तो हमेशा रहा ही है, लेकिन उसके अलावा नए व्यूअर्स को भी खींचना है खिचड़ी देखने के लिए। तो उसके लिए हमें 3-4 स्टेप्स अपर जाना होगा एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न, एज फार एज ह्यूमर इज कंसर्न, एज फार एज परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न। तो उसके साथ नाउ आई विल टेल यू वन थिंग कि पहले जो हमने दो शो किए टेलीविजन के, सीरियल खिचड़ी के, उसके बाद फिल्म भी की, तो ये तीनों को मिलके इफ यू पुट टुगेदर ऑल दीज थ्री, उससे 4 गुना ज्यादा एंटरटेनिंग और 4 गुना ज्यादा ह्यूमरस है अभी जो वर्जन आ रहा है खिचड़ी का। बहुत मेहनत और बहुत जतन से बनाई है हमने अब जो भी एपिसोड्स बने हैं, क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है तो उसको बड़ी मेहनत के साथ हमें उसको आगे ले जाना है, तो हम और उसको आगे स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। उतनी मजेदार, ज्यादा क्रेजी बनकर, ज्यादा अच्छी अच्छी कॉमेडी ह्यूमर ला के हमारा पूरा परिवार ज्यादा क्रेजी दिखेगा, लेकिन पूरा आपका परिवार साथ में बैठकर मिलकर हमारे मजे ले सकेगा और पूरा सीरियल देख सकेगा। हंसा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एवरग्रीन कैरेक्टर है, अगर मैं बदलने जाऊंगी ना तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए कुछ भी बदलना नहीं चाहती थी और उस कैरेक्टर को वैसे ही रखना चाहती थी जैसे हंसा है, और वो वैसे ही रह सकती है। मुझे नहीं लगता कि हंसा बदल सकती है, और उसके उसमें जो पहले जो हैप्पीनेस थी, जो इनोसेंस थी, वही मैं फिर से लेके आई हूँ ऐसा मुझे लगता है। इंटेलिजेंस तो हो गई हूँ, क्योंकि मैं अभी है ना सिर्फ पूछती नहीं हूँ, मैं अभी पूछ के मैं आपको अंग्रेजी शब्द का मतलब बता सकती हूँ, इसीलिए मैं इंटेलिजेंस हो गई। आई नो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हंसा करेगी वो है बाबूजी को तंग करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाबूजी और हंसा का जो एक लव हेट रिलेशनशिप है ना वो ज़्यादा स्ट्रांगली इस बार बाहर आएगी। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हंसा लेकर के होती है, क्योंकि मैं जब दिन भर के काम के बाद गाड़ी में बैठती हूँ तो 10 मिनट तक मैं वाकई खुश महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा दिन हंसा का किरदार किया होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को भी हंसा देख के उतनी ही खुशी महसूस होगी और उतना ही रिलैक्स महसूस होगा जितना मैं करती हूँ। सुप्रिया पाठक की तरह आ सकती हूँ, नहीं आ सकती हूँ, हंसा ही है जो इतने कपड़े और इतनी चूड़ी पहन सकती है, और इसमें उसकी खुशी ही है, उसकी खुशी है अच्छी तरह ड्रेस होना, बैठे रहना, अपने अपीयरेंस के बारे में, अपीयरेंस भी नहीं कहूँगी, ये उसकी ज़िंदगी है, तो उसको और कुछ पता ही नहीं, खुश रहती है कि वो सुंदर दिखे, कपड़े पहने, कुछ और भी काम। आई थिंक है ना, मुझे ऐसा लगता है आजकल का यूथ जो भी है ना वो भी थोड़े दिन पिज्ज़ा खाता है, फिर इवेंचुअली हिंदुस्तानी खाने पे आ ही जाता है। और जैसे हमें, मुझे ऐसा लगता है हम लोग जब अब्रॉड जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे, तीसरे चौथे दिन हम सोच रहे थे कि यार एक रोटी मिल जाएगी हमसे। तो मुझे लगता है ये वही वाली बात है, यूथ भले पिज्ज़ा खाए, बर्गर खाए, वो भी खाना चाहिए, पर खिचड़ी पेट खराब होने के मज़े में कम्फर्ट फूड जो हम कहते हैं वो खिचड़ी ही है हमारे। और जैसे अनंग भाई बार बोले थे अभी
बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, यंगस्टर्स हो, अपनी जिंदगी में खिचड़ी एक कंफर्ट फूड है जिसकी तरफ वो जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। निशा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिश्की के साथ मिलती है, और अगर वो हो तो मुझे किसी भी चीज़ में कोई मतलब मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती थी कि इतनी खुशी मिल सकती है एक छोटे बच्चे से, और मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, तो आई लव हर वेरी मच। मेरी बात हम तो पीछे ही पड़ गए थे कि यार खिचड़ी बनानी है। रिहर्सल करने गए और तो पीछे कैमरामैन हमारा ओल्ड कैमरामैन हमारा ये विजय देख, उसको देखा, आतिश को देखा, ऐसा लगा कि इसको कभी आदि हो, तो घर में लोग कैसे चल रहे हैं या रिलैक्स, कोई किसी को दिखाना नहीं चाहिए, सारी बातें बहुत बहुत मजेदार किस्से हैं, नए नए किस्से हैं, नया जोश है, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो 14 अप्रैल से खिचड़ी आ रही है स्टार प्लस और हॉटस्टार पर, आप जरूर देखिए हमारी अच्छे से बनी हुई खिचड़ी।